मनजीत सिंह बोपाराई की पुस्तक ज्योतिष झूठ बोलता है दा अगला भाग। चलाक व्यक्ति चमत्कारी या मानसिक शक्तियां दे स्वामी सिर्फ एक विशेष सर्कल च हुंदे है, नहीं असलीयत च तां ओह जासूस हुंदे है। जदों भी उन्हां दे घेरे च कोई सूचना लीक हो जाती है, उन्हां दी मानसिक शक्तियां दा भांडा टुट जाता है। जादू नूं चमत्कारां नालों वखरिआउण दा इक्को इक ढंग है पड़ताल करनी। 1988 च मैं जादू ते चमत्कारां दी वखरेवां समझाउण लई कई प्रोग्राम कीते। उन्हां चों एक सी मेरे पिंड कुडाणी कलां विखे, जिस विच रैशनलिस्ट सुसायटी दे मैंबर प्रसिद्ध जादूगर प्रोफेसर हरविंदर रत्ता गुड्डा अमृतसर भी शामिल होए। हज़ारां लोकां दे सामने उन्हें हत्थ की सफाई नाल ट्रिक करके विखाए ते बाद च समझाए भी। उन्हें लैक्चर राहीं दस्सिया कि कोई भी जादूगर बन सकता है ते इह किसी गैबी शक्ति कारण नहीं हुंदा। इस विखावे के बावजूद भी कई अजे लाइलग सन जिहड़े आखदे ही रहे कि नहीं कोई ना कोई शक्ति तो जरूर होनी है। आज़ादी के बाद भारत चमत्कारी ठगां लई वधिया मुल्क बन गया। भावें धोखा करना एक कानूनी जुर्म है, पर यह विखाई दिंदा है कि जदों धोखा धर्म के नां ते कीता जाए तो एक जनून बन जाता है, क्योंकि भारत का धर्म निरपक्ष संविधान धार्मिक आज़ादी प्रदान करता है। साधां दे भेस बहुत चलाक व्यक्ति अपने बेहद भैड़े कुकर्म जारी रखने च आज़ाद हैं। उन्हां दा ये धंधा जारी रहिंदा है, क्योंकि आम लोकें नरक दे डरों ते रब्बी करोपी दे डर सदका उन्हां दे किसी काम उत्ते शक भी नहीं करदे। वो अपने नावां नाल रब्बी नां जोड़ लैंदे है, जिवें राधा स्वामी, भगवान, महारिशी, महात्मा, गुरु, संत, संत महाराज, योगी, संत 101, संत 1001, आनंद मार्ग, हरे कृष्णा आदि। वो अजे गुंझलदार औखे तो ना समझ आने वाले शब्द बोलते हैं जोड़े आम व्यक्ति नहीं समझ सकते, तो इनू रब्बी ज्ञान आख के अपना उल्लू सीधा करी जाते हैं। उन्होंने विशेष शब्द होंगे है स्वै मुक्ति, स्वै भरोसा, अंतिम सच्चाई, आत्मा की आज़ादी, 6वीं इंद्री की शक्ति, मन उत्ते स्वै ज्ञान आदि। पूरब के अजे रूहानी माहिर वड्डी पद्धर उत्ते मनां नूं दूषित करते हैं। पश्चिमी मुल्कां दे नशियां दे आदि कई व्यक्ति इन्हां दी शरण विच सहारा लभदे हन। पश्चिमी लोकां लई नवीं एक किस्मत दस्सण दे धंधेबाज अमरीका, यूरोप ते आस्ट्रेलिया अंदर अपणियां ब्रांचां खोलण च सफल हो गए हन। उन्हां दा धंधा पैसा ते श्रद्धालुआं पक्षों बहुत चमकिया है। भगवान रजनीश्वर लई वेख लओ, उहदे किन्ने श्रद्धालु है ते किन्नी दौलत इस धंधे चों इकट्ठी कीती है। अजिहा ही एक व्यापारी है महर्षि महेशी योगी। इन्हें संगीत कंपनी दी बीटल्स राहीं लखां डॉलर कमाए। इस धंधे च इहदी शोहरत नूं धक्का उदों लग्या जदों जॉन लैननो ने पर्दाफाश किया कि किवें योगी जी महाराज अपने स्वरूप च एक लड़की नाल जबर जनाह करन लगे सी। बाद च समगलिंग करते हुए हवाई अड्डे ते फड़े भी गए। फिर भी भोले भाले लोकां च इहदा सत्कार है ते इहनूं गुरु महाराज आखदे हन। मैं बचपन तो ही इन्हां वर्तारियां विच दिलचस्पी रखिया करदा सी। मैं अपने पिता ते चाचा जी नाल सवेर समय खेतां वल सैर करन लई जांदा। वेखदा राह च कोई टूणा कीता होया तां उहनूं चुक लैंदे, वस्तुआं नूं वरत लैंदे। वो धार्मिक जरूर सन, पर उन्हां दा टूणे ते धागे तबीतां च विश्वास नहीं सी। मेरी दिलचस्पी इस खेतर च उन्हां नालों कुछ वध सी। मैं अपने पिता दियां ज्योतिष दियां किताबां पढ़दा रहिंदा। डॉक्टर ज्ञान सिंह मान ने 1975 च जो लैक्चर ज्योतिष बारे दिता, उन्हें मेरे मन च चिणग जी लाती। मैं इहदा अध्ययन करन ते मन बना लिया। इहदा कारण ही मैं अपना विशा राजनीति शास्त्र तो जोग्राफी कीता ते बाद च इस विशे च MA भी कीती। मैं वर्तारियां संबंधी जे, परंतु, की ते क्यों वरतने आरंभ कीते। मैं महसूस किया कि मैनूं अमली तौर उत्ते तर्कशील ते मानवतावादी पहुँच नाल जिंदगी गुजारनी चाहिए है। मैं पढ़ाई के बाद अपना कारोबार आरंभ किया, मैनूं बहुत सफलता मिली। 13 मार्च 1985 में इहदा मुहूर्त बिना किसी शुभ लगन दे किया। मेरी कामयाबी वेख के कई होरां ने भी उही कारोबार आरंभ कर लिया। उन्हां विचों बहुते असफल हो गए, भावें उन्होंने कारोबार मुहूर्त पाठ रखवा के ते साधु संतां दे आशीर्वाद नाल ही आरंभ कीते सी। 1987 के अंत विच मैं रैशनलिस्ट सुसायटी ऑफ पंजाब च शामिल हो गया। एक रजिस्टर्ड शुदा संस्था है। ये सुसायटी पंजाब च नहीं सगों गुआढ़ी राज्यां च सत्कारी जाती है, काफ़ी प्रसिद्ध है। ये अपना मैगजीन तर्कबोध भी प्रकाशित करती है। जिस दे संपादक सुरजीत तलवार हैं। उन्हें हुण तक कोई 20-22 किताबां भी प्रकाशित कीतियां जिन्हां च वहमां भरमां अंध विश्वासां दा तर्कशील ते विग्यानक ढंगां नाल पर्दाफाश कीता गया। इन्हां तो आज़ाद जीवन गुजारन लई प्रेरित कीता गया। इस संस्था की प्रसिद्धि के मुख्य कारण हैं कि ये मैंबर बिना कोई फीस लए भूत प्रेत आउण जां छाया होण जां कसरा होण ते चीज़ां गुमण ते अजिहियां ही होर असाधारण वर्तारियां दा मुफ्त इलाज कर दिंदे हैं। मैं भी इस तरह के कई केस हल किए। जिहड़े केस मैं हल किया सी उहदे परिवार वालों मैनूं इत्थे आस्ट्रेलिया च एक धन्नवाद पत्र भी प्राप्त होया। जदों किस्मत दस्सण बारे मैं अपने निरीखणा के सारे तत्त इकट्ठे कर लए तो मैं सोचा कि सब सूचना आम लोगों तक भी पहुँचानी चाहिए है। मैं रैशनलिस्ट सुसायटी पंजाब के नुमाइंदे वजों पंजाब के कई स्कूलों कॉलेजों सैकड़े लैक्चर किए। इस उत्साह ने मैनूं संसार के लोगों नाल अपने विचार सांझे करन लई प्रेरिया। मेरा यह पक्का विश्वास है कि रैशनलिस्ट सुसायटी पंजाब दी इस लहर ने इस धंधे उपर काफ़ी प्रभाव पाया है तो गाहकां दी गिणती घटी है। मैनूं अजे भी याद है जदों मैं एक कॉलेज लैक्चर कर रहा सी तो उस कॉलेज की प्रिंसीपल हौली हौली चोरी दे के अपनी नग वाली अंगूठी ला के जेब च पाई जा रही सी। मैं सोचदा कि अपने लाई लग पुणे ते शर्मसार हो रहा सी। आस्ट्रेलिया पहुँच के भी मैं किस्मत दसन च अपनी दिलचस्पी बरकरार रखी। मैं प्रसिद्ध किस्मत दसन वालियां दी परख करन लई अपनी मेहनत की कमाई चों $5000 देण दा ऐलान भी किया। मैं ये पेशकश नॉर्दर्न स्टार 25 मई 1990 नूं प्रकाशित मन की गल बुझण वाले रे चैडविक नूं भी कीती, जिहड़ा ये दावा करदा सी कि उहदियां 92% भविखबाणियां सच्चियां हुंदियां। ये व्यक्ति 130 मुल्कां विच प्रसिद्ध सी। जदों इस बारे खबर वेखी तो मैं उन्होंने टैलीफोन किया तो मिलण लई समा देण दी मंग कीती। मैं उन्होंने आख्या कि मैं उहदे दाविआं दी पड़ताल करना चाहुंदा। उन्हें मैनूं मौका देण दा वादा किया। मैं मीडिया नाल संपर्क किया। मैनूं पता लग्या नॉर्दर्न स्टार दा जर्नलिस्ट चैडविक नाल इंटरव्यू करन लई मोटर इन मैटल विखे पधार रहा है। चैडविक इत्थे रह रहा सी। अगले दिन मैं भी छुट्टी कर ली तो उहदे दावे परखण की ठाण लई। मैं कोई 6 घंटे इंतजार किया। अंत नूं नॉर्दर्न स्टार की जर्नलिस्ट डोमीनिक वाइट आ पहुँची। उहदे सामने ही मैं चैडविक नूं 6वीं इंदरी की परख लई सिर्फ 10 मिनट का समा देण लई बेनती की। मैं उन्होंने दसिया कि मैं सिर्फ 2 मिनटां च प्रश्न पुछ लाँगा तो जवाब वो अपनी मर्जी अनुसार दे सकेगा। जे 90% प्रश्न के जवाब ठीक होए तो मैं उन्होंने $5000 की रकम दे दाँगा। मैं उस तो सवाल पूछने आरंभ करते। मैनू अज मेरी उम्र सालां च दस दिओ, मेरी विद्यक योग्यता की है, मेरा किता की है, मैं विआहिआ जां नहीं, मेरे किन्ने बच्चे है, उन्हां दा लिंग की है, किन्ने जिउंदे है ते किन्ने मर गए आदि। अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि का मालक हमेशा ही सही भविखबाणियां करन वाला मिस्टर चैडविक आके कमरे च जा वड़िया कि मिस्टर सिंह नूं मिलण दा उस कोल कोई समा नहीं, क्योंकि वह बहुत रुझिया होया। अगले दिन अखबारां च आर्टिकल छप गया कि दिल दीयां गल्लां बुझण वाला इन्ना रुझिया होया कि एक शंकावादी दा सामना नहीं कर सकिया। इस तो बाद इस खिते च नहीं आया। उन्हें लिजमोर संबंधी कई भविखबाणियां कीतियां, जिवें कि किसी स्थानक नौजवान की कुछ महीनों च ही मौत होना, विद्या ते खेडां आदि वास्ते शहर लई सरकारी मदद अगले वरे, भयानक हड़ां दा आउणा जिहड़े पहलां नालों वध खतरनाक होणगे आदि। मेरे लिए भविखबाणियां इन्नियां ही गंभीर सन जिवें कि मैं आखां द रे मार्टिन बाथरूम जाएगा जां मिड डे शो के दरमियान वो कॉफ़ी पीएगा। ये गल्लां तां आम ही हुंदियां, बहुत ही घट महत्व वालियां। उन्हें भविखबाणी करती तो अखबारां ने छाप दित्ती। पड़ताल करन दा कष्ट कोई नहीं करता। सारे जानते हैं कि आस्ट्रेलिया च लिजमोर विखे हड़ आम ही आते रहते हैं। चैडविक वर्गियां भविखबाणियां तो आम सधारण बुद्धि वाला व्यक्ति भी कर सकता है। उन्हें यह क्यों नहीं दसिया कि कुछ ही महीनों च कैरी पैकर नूं दिल का दौरा पेगा, जां ईरान च भूचाल आएगा, जां सद्दाम हुसैन कुवैत ते हमला करेगा। वो जानता है ये भविखबाणियां विशेष तौर पर एक व्यक्ति जां स्थान नाल संबंधित हैं। घटना वापरन के बाद वो इहनूं अपनी मर्जी अनुसार बयान नहीं कर सकेगा। भविखबाणियां करते समय ज्योतिषी अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। अजे तक भी उहदियां इन्हां भविखबाणियां चों एक भी सच्ची सिद्ध नहीं हुई। अजिहियां भविखबाणियां ते रहसां दे पर्दाफाश करन लई बहुत सारे मैगजीन छपदे हैं। इन्हां च कुदरत दे रहसां दी व्याख्या तर्कमई ते विग्यानक ढंगां नाल कीती जांदी है। अजेही एक मैगजीन स्केप्टिकल एनक्योर ने इंज लिखिया है, झूठे विज्ञानां दी हर गल दी पड़ताल करो, तुसीं वेखोगे कोई ना कोई लारा लाया विखाई देगा, असीं इस लारे बदले की दे सकदे हां। बेयकीनी ते असुरक्षित मेरी चुनौती। भावें असली विज्ञानकां ने तां हमेशा ही अध्यात्मवादी तंत्रिकां, चमत्कारियां, हथ रेखा माहरां, ज्योतिषियां, नंबर माहरां ते सिद्धां नूं जबानी चुनौती दित्ती है, पर डॉक्टर अब्राहिम कोवूर ने 1963 च एक पक्की चुनौती जारी करके अजे वर्तारियां विच विश्वास नूं जोखम च पाता। 1959 विच कोलंबो दे विज्ञान विभाग दे मुखी दी पदवी तो रिटायर होण पिछों उहने अंधविश्वासी विचारां बारे अपनी जिंदगी भर दी खोज नूं प्रचारना शुरू कर दिता। उन्हें धोखा रहित हालतां च संसार के किसी व्यक्ति द्वारा चमत्कारी शक्तियां का दिखावा करने लई 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान कर दिता। वह भोली भाली जनता नूं सिद्ध करना चाहता सी कि वह व्यक्ति जिहड़े चमत्कारी शक्तियां का दावा करते हैं सिर्फ पखंडी या दिमागी तौर पर पागल व्यक्ति है। ये पेशकश 1978 च उसदी मौत तक जारी रही। पहला, जिहड़ा सीलबंद करंसी नोट का लड़ी नंबर पढ़ सकता होवे। दूजा, जिहड़ा किसी करंसी नोट की ठीक नकल पैदा कर सकता होवे। तीजा, जिहड़ा बलदी हुई अग ते अपने देवते की सहायता नाल अद्धे मिनट लई नंगे पैरी खड़ सकता होवे। चौथा, अजिही वस्तु जो मैं मंगा हवा चों पेश कर सकता होवे। पंजवां, मनोविग्यानक शक्ति नाल किसी वस्तु नूं हिला देवे जां मोड़ देवे। छेवां, टैलीपैथी राहीं किसी दूसरे व्यक्ति के विचार पढ़ के दस सकता होवे। सत्तवां, प्रार्थना राहीं आत्मक शक्ति द्वारा गंगा जल नाल जां पवित्र राख नाल अपने शरीर के अंग नूं 1 इंच वधा सके। 8वां, जिहड़ा यौगिक शक्ति नाल हवा चोड़ सके। 9वां, यौगिक शक्ति नाल 5 मिनट लई अपनी नब्ज़ रोक सके ते 10वां, पानी उत्ते पैदल तुर सके। 11वां, अपना शरीर एक थां तो छड्ड के दूजी थां जा हाज़र होवे। 12वां, यौगिक शक्ति द्वारा 30 मिनट लई साह किरिया रोक देवे। 13वां, रचनात्मक बुद्धि का विकास करे, भगती जां अगिआत शक्ति राहीं आत्म ज्ञान प्राप्त करे। 14वां, पुनर्जन्म के तौर पर कोई अनोखी भाषा बोल सके। 15, अजिही आत्मा जां प्रेत नूं हाज़र करे जिहदी फोटो खिंची जा सकती होवे। 16वां, फोटो खिंच लैण पिछों फोटो तो लोप हो सके। 17, जिंदरा लगे कमरे विचों लौकिक शक्ति नालों बाहर निकल सके। 18वां, किसी वस्तु का भार वधा सके। 19वां, छुपी हुई वस्तु नूं लभ सके। 20वां, पानी नूं शराब जां पेट्रोल च बदल सके ते 21वां, शराब नूं खून च बदल सके। 22 अजे ज्योतिषी ते पांडे जिहड़े ये कह के लोगों नूं गुमराह करदे सी कि ज्योतिष ते हथ रेखा विग्यानक मेरे इनाम नूं जित सकदे हन। जेकर वो 10 हथ चित्रां जां 10 ज्योतिष पत्रियां नूं वेख के आदमियां ते औरतां दी वख-वख गिणती, मरियां ते जिउंदियां दी गिणती दस सकण जां जन्म का ठीक समां ते स्थान समेत अक्षांशां दे रेखांशा दे दस सकन, इस 5% गलती माफ़ होएगी। ये चुनौती सारे संसार दीआं अखबारां रसालियां च प्रकाशित हुई। उहदी मौत तक कोई भी उतों 1 पैसा ना जित सकिया ते 2 आदमी जमानत दे जमा करवाए 2000 रुपए हार बैठे। इस चुनौती दीआं कापियां प्रोफेसर ते ज्योतिष दी मैगजीन दे संपादक BV रमन, यूरी गैलर, ड्यूक यूनिवर्सिटी के जी.बी. रीने समेत होर बहुत सारिਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ डॉक्टर कोवूर ने बोलना ते लिखना शुरू किया तो बहुत सारे तांत्रिकां, पुजारियां, अध्यात्मवादियां, किस्मत दस्सण वालियां, सिद्धां ते संतां ने डूंघे रोस प्रगट किए। टूणेहारां ने कहा कि उन्होंने टूणे राहीं मार सकते हैं। अध्यात्मवादियों ने चेतावनी दी कि अपनी प्रार्थनावां राहीं उन्होंने नुकसान पहुँचा सकते। इत्थों तक कि कुछ खौती विज्ञानकां ने भी उहदी नुकताचीनी शुरू कर दी। आखिरकार उन्हें इन्हां ठगां दे दाविआं नूं नंगिआं करन लई उन्हां नूं लोकां सामणे धोखा रहित हालतां 'च अपने चमत्कारां नूं पेश करन दी चुनौती दित्ती। उन्हें ड्यूक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जे.बी. रीने नूं खास सद्दा पत्र भेजिआ तां जो उहदीआं अधिक शक्तियां वेख सके। 1973 विच इजराइल दे यूरी गैलर नूं अपने चमचे मोड़न की कला का विखावा करन लई $16,000 की पेशकश की गई। 1975 में चमत्कारां दे परदे फाश करन वालियां मुहिमां दौरान उन्हें भारत के सारे कोनियां दे बहुत सारे ज्योतिषियां, हथ रेखा माहिरां ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। डॉक्टर कोवूर ने श्रीलंका भारत ते सारी दुनिया के तर्कशील लहर दी नीहां नूं मजबूत किया। उन्हें श्रीलंका की तर्कशील सभा की नींह रखी ते इस तरह अपने आखिरी साहां तक मानवता की सेवा की। दो आदमियों तो बगैर जिन्हां अपनी जमानत की राशि जब्त करवा ली, होर किसी ने भी उहदी चुनौती कबूल ना की। इन्हां चुनौतियां ने बुद्धिमान लोगों नूं इह समझण 'च काफ़ी मदद की कि इस ब्रह्मांड विच कुछ भी चमत्कारी नहीं है। कुदरत जो कुछ वापरदा कुदरती है। कुदरत के रहस्यां तो बगैर कुछ भी चमत्कारी नहीं है। बीते दे बहुते रहस्यां तो अज दे विज्ञानक ने परदे ला दिते है। अज दे बहुत सारे रहस कल दे विज्ञानियां ने हल कर देने है। इसलिए कुदरत के अणसुलझे रहस्यां नूं चमत्कारां दी संज्ञा प्रदान करनी कितनी हासोहीणी गल है। पिछले एक दहाके तो भारत ते श्रीलंका 'च बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्तियों ने डॉक्टर कोवूर दे पद चिन्हां ते चलण लई पहलकदमी कीती है। केरला, हरियाणा ते पंजाब ते होर दूजे राज्यां विच दर्जनां ही तर्कशील सोसाइटियां होंद च आ गईयां जिहड़ियां बहुत सफलता नाल अंधविश्वासी लोकां नूं चेतन कर रहीयां। इन्हां सोसाइटियां ने भी चुनौतियां कबूल करन लई इनाम वजों वड्डीयां रकमां दी पेशकश कीती होई है। जे कोई 22 मर्दां विचों किसी एक नूं पूरी करन दी योग्यता रखदा है ते भावें ओह इनाम जितणा चाहुंदा जां नहीं, ओह हेठ लिखे पते ते संपर्क कर सकदा है। प्रधान रैशनलिस्ट सुसायटी पंजाब, गली नंबर 8, तर्कशील निवास, कच्चा कॉलेज रोड, बरनाला, पंजाब, भारत। मेरी चुनौती गैर पेशेवर ते इकला खोजी होने के नाते मैं सिर्फ किस्मत दसन वालियां दियां सारियां किस्मां नूं चुनौती देण तक ही सीमित रहांगा। मैं आस्ट्रेलिया के शहर लिज़मोर निवासी मनजीत सिंह बोपाराई ऐलान करदा कि मैं 10,000 आस्ट्रेलियन डॉलर धरती के किसी आदमी या औरत नूं देण लई तैयार हाँ जिहड़ा अपने जां अपने किसी गाहक राहीं किस्मत दस्सण दीआं योगतावां या चमत्कारी शक्तियां दा धोखा रहित हालतां विच दिखावा कर सकदा होवे। इह पेशकश मेरी मौत तक जां पहलां जेतू मिलण तक जारी रहेगी। ज्योतिषी, हथ रेखा माहिर, अगम निगम की सोझी रखण वाले, कार्ड प्यालियां जां नंबर पढ़न वाले, सिद्ध ते होर दूसरे जिहड़े दावा करदे है कि उन्हां दी अपने खेतरां 'च चमत्कारी शक्तियां जां बुद्धि है, हेठ लिखिया कोई चमत्कार करके इस इनाम नूं जित सकदे है। ज्योतिषी, हथ रेखा माहिर ते नंबर पढ़न वाले जिहड़े भोले भाले लोकां नूं इह कह के ठगदे है कि ज्योतिष, हथ रेखा, ज्ञान ते नंबर ज्ञान विग्यान हन, मेरे इनाम नूं जित सकदे है। 20% गलती माफ़ करन तो बाद भी जे वह दस सकन कि हथ विखाउण वाले मर्द औरतां लिंग तब्दील होए व्यक्ति जां ही जड़े हन, जमांदरू अन्ने जां गूंगे हन, जिउंदे जां मुर्दे हन, 10 हथेली चित्रां जां टेवियां नूं वेख के दस सकन। अगम निगम की सोझी रखण वाले जां दूसरे अपनियां प्रा मानसिक शक्तियां जां छेवीं ज्ञान इंद्री की वरतों करके हेठ लिखियां विचों कोई एक करके विखा सकते हैं। पहला, अपने अगम निगम की सोझी ESP की वरतों करके कोई खोई जल कोई वस्तु लभना। दूजा, अपने चमत्कारी शक्तियां नाल किसी ठोस चीज़ नूं हिलाउणा जां मोड़ना। तीसरा, सीलबंद नोट का लड़ी नंबर पढ़ना जां टैलीपैथी की शक्ति राहीं किसी दूसरे व्यक्ति के मन के विचार दसने। चौथा, 10 औरतां दी हथ चित्र जां टेवियां नूं पढ़ के उन्हां दे जिउंदे ते मुर्दे बच्चियां दी गिणती ते उन्हां दे लिंग दस के किस्मत दस्सण वाले मेरा इनाम जित सकदे है। 20% गलती माफ़ होएगी। पंजवां, किस्मत दस्सण वाले 10 व्यक्तियों के हथ चित्र या टेवे वेख के उन्होंने विआह की गिणती दस के मेरे इनाम नूं जित सकते हैं। 20% गलती माफ़ होएगी। चुनौती दीआं हेठ लिखियां शर्तां हन। पहला, वो आदमी जिहड़ा चुनौती कबूल करता है मेरा इनाम जितना चाहता है जां नहीं नूं $100 दाखला फीस जमा करवानी होएगी। मैं ये फीस सस्ती प्रसिद्धि चाहण वाले जिहड़े मेरे समय रुपए ते ऊर्जा नूं बर्बाद कर रहे होणगे नूं दूर रखण लई रखी है। जित जाण दी हालत विच ये रकम मोड़न योग है। दूसरा, जमानत दी राशि जमा करवाउण तो बाद किस्मत दस्सण वाले दी परख मेरे द्वारा लोकां सामणे किसी निश्चित दिन कीती जाएगी। ये परख मेरे शहर च होएगी। तीसरा, जे किस्मत दस्सण वाला असफल हो जाता जां परख का सामना करन तो इनकार कर दिंदा है तो उसकी जमानत की राशि जब्त कर ली जाएगी। जे मेरी परख विचों जित जाता है तो जमानत की राशि उन्होंने वापस करती जाएगी। नाल ही 10,000 आस्ट्रेलीयन डॉलर इनाम वजों दिते जाणगे। चौथा, सारियां परखां धोखा रहित हालतां च मेरी पूर्ण तसली तक कीतियां जाणगियां। पंजवां, जे कोई पत्र विहार करना चाहुंदा है तो उन्होंने डाक टिकटां वाला लिफाफा जां डाक खर्च के बराबर मुल दा मनी ऑर्डर भेजना होवेगा। धन्यवाद।